दिवाली से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखों पर बैन लगा दिया है। ग्रीन और सामान्य दोनों ही तरह के पटाखे खरीदने, बेचने और चलाने सभी पर बैन लगाया गया है। पटाखों पर यह बैन 7 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों और बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मीटिंग की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पटाखे न फोड़ने की अपील की है। साथ ही कहा कि जैसे पिछले साल दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने का संकल्प लेकर कनॉट प्लेस में मिलकर दिवाली की खुशियां बांटी थी, ऐसे ही इस बार भी दिवाली मनाएंगे लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे। हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं समझता हूं कि जब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करेंगे, और मैं समझता हूं इससे हमारी पूरी दिल्ली का भला होगा। कोरोना के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी काफी सख्त है। पटाखों पर बैन को लेकर एनजीटी में सुनवाई हुई, जिसमें पटाखा कंपनियों की एसोसिएशन ने कहा कि पटाखा कंपनियों से 10,000 लोग जुड़े हैं और इस बैन के लगने से सभी बेरोजगार हो जाएंगे, जिस पर एनजीटी ने साफ कहा कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं लेकिन मौत का नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 तक दिल्ली में पटाखा कारोबार करीब 2000 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया था और सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही बेचने की इजाजत दी थी। 2019 में भी केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हुई। साथ ही पटाखे चलाने का समय भी रात 8 बजे से 10 बजे के बीच तय किया गया था। और अब 2020 में कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण दिवाली तक ग्रीन पटाखे बन ही नहीं पाए, जबकि फैक्ट्रियों के पास ग्रीन पटाखे बनाने के लाइसेंस थे, जिसके चलते यह कारोबार वैसे ही घाटे में था। और अब इस फैसले की वजह से व्यापारियों को और भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।